नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक छोटी सी लघु कथा। जी हां, वैसे तो यहां दो लघु कथा है, उसमें से पहली जो लघु कथा है कंगाल, ये आज हम देखने वाले हैं। कंगाल इस लघु कथा के माध्यम से हमें यह देखना है कि मनुष्य प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। जी हाँ, जैसे कि इस लघु कथा के जो लेखक है नरेंद्र छाबड़ा, इन्होंने हमारे सामने यही प्रवृत्ति पेश की है। प्रवृत्ति यह है कि जब आदमी किसी मॉल में जाता है या बड़े बड़े शहरों में होटल में खाना खाता है या फिल्म देखता है या गाड़ी में सैर करता है तो मोल नहीं करता है, फटाफट पैसे निकाल के दे देता है। लेकिन आदमी की यही प्रवृत्ति एक विरुद्ध यह भी है कि जब वो किसी फेरी वाले के पास जाता है या फेरी वाला उसके पास आता है या सब्जी वाले के पास जाता है तो छोटी छोटी कीमत पर भी वो क्या करता है, मोल करता है। क्या यह सही है? इसीलिए मनुष्य की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई देती है। तब लेखक को लगता है कि आदमी कितना कंगाल है। लेखक यही हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। आदमी आज इतना अमीर होने के बाद भी कितना कंगाल है। ठीक है, तो ले चलते हम कंगाल इस लघु कथा के माध्यम से, जिसे हम शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं, तो चलते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपते ही रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा, इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताऊं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। दो तीन दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन झील किनारे टहल रहे थे तो चलो भुट्टा वाले, भुट्टा ले लो, मसाला गरमा गरम मसाला भुट्टा, चलो भुट्टा वाला भुट्टा गरमा गरम मसाला भुट्टा ले लो, चलो भुट्टा साहब, भुट्टा दूं क्या साहब, गरमा गरम मसाला लगा कर भुट्टा दूंगा साहब। कितने का है? 5 रुपए का साहब। 5 रुपए? हाँ साहब। अरे हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है साहब। मजदूरी यहाँ गाँव है, 5 रुपए का मिलता है। हम 3 रुपए दे देंगे। नहीं साहब, 5 रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो रहने दो, रहने दो। अरे ले लो साहब। भुट्टा 5 रुपए का एक साहब। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुक जाते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। इसलिए मैं उल्टे कदम लौटा। भैया। हाँ साहब। ये लो 20 रुपया। हाँ साहब। और 4 दे दो। ये लो साहब, अच्छा गर्मा गर्म मसाला लगा के दिया साहब। ये लो लो साहब। ठीक है, अच्छा है भैया, शुक्रिया साहब। मन अब सुकून महसूस कर रहा था।